हाय फ्रेंड्स, मैं मीना, मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मखाना खीर। सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है और बनाना बहुत आसान है। इस रेसिपी को आप बनाइए, खाइए, कमेंट में बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मखाने की खीर बनाने की सामग्री है 1 लीटर दूध है, 2 कप मखाना है, 100 ग्राम चीनी, 10 बादाम है जिसे हमने बहुत ही बारीक काट लिया है, 10 काजू है इसे भी हमने बारीक काट लिया है, 8 से 10 केसर के धागे, 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर, 2 बड़ा चम्मच देसी घी। पैन में हम 2 चम्मच घी डालेंगे, देसी घी है। आंच को धीमी रखेंगे और मखाने को हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। देखिए, मखाने को हमने भून लिया है, मखाने का कलर चेंज हो गया है, हल्का ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम 1 लीटर दूध डालेंगे। केसर डालेंगे, केसर डालने से बहुत ही अच्छा कलर आता है। मिला लेंगे और आंच को मीडियम रखेंगे और इसी तरह से बीच बीच में चलाते हुए दूध को गाढ़ा होने तक पकाएंगे। देखिए, दूध उबलने लगा है। अब इसमें हम कटा हुआ काजू डाल देंगे, कटा हुआ बादाम डालेंगे और इस तरह से बीच बीच में चलाते रहेंगे। मखाने की खीर बहुत जल्दी बन जाती है। देखिए, हमारा मखाना सॉफ्ट हो गया है और दूध भी हमारा गाढ़ा होने लगा है। अब इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर और चीनी डालेंगे, चीनी घुलने तक और पकाएंगे। देखिए, चीनी डालने के बाद हमने 5 से 7 मिनट तक और पका लिया है। चीनी हमारी अच्छे से घुल गई है और जो हमारा मखाना है वो भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। बहुत ही अच्छी हमारी खीर बनी है। इतना खीर बनने में 10 से 12 मिनट का समय लगा है। अब हम गैस को बंद करेंगे और खीर को बाउल में निकाल लेंगे। मखाने की खीर बनकर तैयार है। खीर की गार्निश हमने काजू और बादाम से किया है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है मखाने की खीर और मखाना बहुत ही हेल्दी होता है। इस रेसिपी को आप व्रत में बनाकर खा सकते हैं या फिर कभी भी बनाकर खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।